पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्रीलंका में हुए बम विस्फोट के बाद पूरे विश्व में एक अलग रूप उत्पन्न हो रहा है, साथ ही सभी गम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के चर्च में बम विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि दी। सभी ने ईश्वर से बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान मुरादाबाद के भी मसीह समाज के द्वारा कैंडल जलाकर चर्च में श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही कैंडल मार्च निकालकर उन शहीदों को याद किया गया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सरकार से दुश्मनों को जवाब देने की जल्द ही मांग की गई। कैंडल मार्च में मसीह समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। जो लोग वहां पर मारे गए हैं बम ब्लास्ट में चर्च के अंदर, हम उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ऐसी घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो लोग अमन में खलल डाल रहे हैं, सरकारें उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें। परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे और जो उनके परिजन हैं जिनको बहुत नुकसान हुआ है उनको ये गम बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें। मेरा नाम आकांक्षा है। क्या आज हमने ये प्रोटेस्ट करा है यहाँ पे, जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में जब चर्च सर्विस के दौरान किस तरीके से कुछ लोगों ने जो ब्लास्ट करा वहाँ पे, और चर्च सर्विस के दौरान जब लोगों की जान गई, तो हम मतलब किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर, वो ये कहता है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वह कभी नहीं मरेगा, है ना। अगर मर भी जाएगा तब भी जिंदा हो जाएगा। हमारा वचन जो है परमेश्वर का वचन, हमें माफ़ी करना सिखाता है, और इस बात के लिए जिन लोगों ने ऐसा करा है मैं उनको माफ़ करना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है पूरा ईसाई समाज उन्हें माफ़ करेगा। क्योंकि जब हम उन्हें माफ़ करेंगे तभी उनके हृदय बदलेंगे, तभी वह सच्चाई को जानेंगे। क्योंकि इतना बड़ा कानून उन्होंने करा, उसके बाद भी हम उनको क्षमा करने का हृदय रखते हैं। मे गॉड ब्लेस।